यूपी के 49 सीट और मणिपुर की 38 सीट। पहले चरण का मतदान मणिपुर में भी आज हो रहा है 38 सीटों पर, जहां का जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर, और हमारे साथ अब गेस्ट भी आ चुके हैं स्टूडियो में। श्री शेखर जी, अब पहला राउंड है, बहुत छोटा छोटा कॉमेंट पहले चाहेंगे। 49 सीटों पर मतदान और आज बनारस में प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल की रोड शो रैली, जो कही है। बनारस बड़ा उत्सव धर्मी शहर है और जब वहाँ कुछ नहीं होता तब भी होली दिवाली सी बनती रहती है। मैं भी बनारस से ही लौटा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे समूचा बनारस राजनीति से नहा रहा है उत्तेजना से, और तरह तरह के नेता, बड़े बड़े नेता, अखबार वालों की हालत ये है कि उनके पास कोई स्पेस ही नहीं बचा किसी भी खबर के लिए। तो और जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ राजनीति की चर्चा हो रही है। लेकिन प्रसून जी, इस राजनीति से अलग मुझे दो बातें समझ में आती हैं बहुत साफ। एक तो मतदाता वहाँ पर बहुत वोकल था, ईस्टर्न यूपी में वो अपनी पसंद और नापसंद दोनों साफ तौर पर जाहिर कर रहा था। दूसरी बात, ये कुछ पर्सनैलिटीज़ के लिए चुनाव नहीं होगा। क्या आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला बचेगा? क्या महंत अवैद्यनाथ की जो महंतई है सियासी, वो वहाँ पे गोरखपुर में बचेगी, रहेगी? या बनारस एक बार फिर अपने बड़े विराट अस्तित्व के साथ पॉलिटिकल सिनेरियो पर अवतरित होगा दोबारा कि नहीं होगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि फैसला कुन चुनाव होने जा रहा है ये वाला। उमेश जी, क्या लग रहा है 49 सीटों को लेकर? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि दोनों बड़े खेमे जो हैं, बल्कि तीनों के लिए ये बहुत ही जद्दोजहद है बड़ी। क्योंकि अगर इतनी देखिए, अगर सत्ता पक्ष का जो है, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नहीं, वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे आ रही है, तो ये जो डिस्परेशन है, ये जो इतने सारे मंत्रियों को एक साथ उतार देना बनारस में, लोग कहते हैं बनारस में होटलों में जगह नहीं है, इतने सारे मंत्री कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, अभूतपूर्व चुनाव। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का या वाराणसी मंडल का चुनाव है, केवल ऐसा लगता है कि जैसे लोकसभा, मिनी लोकसभा चुनाव हो रहा हो सिर्फ पूर्वांचल में। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि पीछे जो चरण बीते हैं वो शायद उतने शानदार नहीं रहे, तो अगले दो चरणों में ऐसा अचीव किया जाए जिससे कि सरकार बनाने के करीब पहुंचा जाए। ये दोनों दलों की ओर से, तीनों दलों की ओर से है। और देखिए, ये 7 जिलों की ये जो 49 सीट्स हैं, इसमें पिछली दफा 27 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी का ही बहुत बड़ा स्टेक है कि कैसे उनको रिटेन करें, या कम से कम अगर मान लीजिए 2-4-5 सीटें लूज होती हैं तो 20-25 तक आए। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से पूर्वांचल की लड़ाई सचमुच बहुत बड़ी 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 लड़ाई है और शिद्दत के साथ सभी लड़ रहे हैं। संजय जी, बनारस में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वही फेस हैं, बीजेपी के सब कुछ वही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल भी आए, मायावती भी रैली कर रही है बनारस में आज ही के दिन। सवाल ये है, क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी की जो स्थिति है उसके जो वहाँ के इशू हैं, हम सुबह से बात कर रहे हैं, वहाँ जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर हुए, किसी को शिक्षा का संकट है, कोई बोलता है सरकार वही बने जो अच्छा काम करे, कैसी अच्छा काम करे उसको नहीं पता है, कुछ विकास शब्द आ रहा है फिर से निकल के, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये माना जाए कि चेहरों के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव सिमट गया? देखिए, मैं चुनाव किस तरह से अनफोल्ड कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, दो तरीके से देखता हूँ। वोटरों के जहन में अभी भी मुझे लगता है, जिसका जिक्र आपने भी किया, विकास के मुद्दे, और वो विकास क्या है पता नहीं। एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, गांव में किसान के लिए खेती के लिए पानी चाहिए, जो शहरी शहर में छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। तो परिभाषा विकास की सब अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव जो है इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये जरूर है। ये पार्टियों के बीच में है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, उसमें दो चेहरे हैं, मोदी बीजेपी के चेहरे के रूप में सामने और मायावती स्पष्ट रूप से बीएसपी के चेहरे के रूप में हैं। तो पार्टियां अपनी पूरा चुनाव का प्रचार तीन चेहरों के इर्द गिर्द कर रही हैं, लेकिन वोटरों के जहन में कुछ और भी बातें रहती हैं। हम ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता फिर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ रवानगी से पहले 4 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में मणिपुर में वोट डालें, दूसरे ट्वीट में छठा चरण हो रहा है यूपी में, वहाँ वोट डालें, तीसरा उनका है कि हमारी जौनपुर और वाराणसी में आज पब्लिक मीटिंग है, उसे आपको सुनना है तो आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। चौथा उन्होंने ट्वीट किया कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा, काल भैरव मंदिर जाऊंगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं।